तुम लोग वीडियो तो देखे नहीं होगे, पढ़े भी नहीं होगे। पिछले क्लास में तो हम सबको रिस्पॉन्ड करने के लिए बोलते चले गए, कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। ओके चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। ओके तो देखो, तुम लोग वीडियो नहीं देखे होंगे, बताया नहीं देख रहे हो। हम तुमको बोले थे कुछ और पढ़ना हो निपटल का, तो तुम वही बताओ, वो भी तुम नहीं बता रहे हो। तो खैर हम चलते हैं इसी को लेके। और हम जो लेक्चर टू था जो पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे और तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं किए, इसलिए हम चले गए। तो सबको बोलते रह गए रिस्पॉन्ड करो रिस्पॉन्ड करो, कोई एक रिस्पॉन्ड नहीं किया, ना कैमरा ऑन किया, ना बिल्कुल। ऐसा ऐसा तो आज तक दिखे ही नहीं किसी बैच में। तो ठीक है चलो हम लोग शुरू करते हैं, ज्यादा बात करते कोई फायदा है नहीं। समझ में आ गया कि तो लेक्चर टू, लेक्चर वन था पूरा का पूरा डेटा साइंस को लेके। लेक्चर टू में जो रघुनाथन सर जो हैं उन्होंने बताया पाइथन शुरू किया, ठीक है। और रघुनाथन सर का तो पूरा का पूरा चैनल है, लेकिन ये पाइथन पढ़ाने के लिए वो मैम आई हैं। आई डोंट नो हर नेम। ओके तो इन्होंने सबसे पहले पाइथन के बारे में शुरू किया, पाइथन फॉर डेटा साइंस। और हम लोग सबसे पहले डेटा साइंस के बारे में, फिर डेटा साइंस का जो टूल्स है उसके बारे में, फिर थोड़ा सा पाइथन का हिस्ट्री और पाइथन का कौन कौन सा आईडीज है जो हम डेटा साइंस में यूज करते हैं, डेटा एनालिटिक्स के लिए, डेटा साइंस के लिए डेटा साइंटिस्ट लोग कौन सा पाइथन का आईडी यूज करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन होगा। ओके तो यहाँ पे जो पहला जो उनका जो स्लाइड था इंट्रोडक्शन के बाद डिटेलिंग में, वहां पे बात कर रहे थे कि डेटा साइंस क्या है, डेटा साइंस क्या है, इसको कैसे समझेंगे। तो देखो कह रहे हैं क्या कि डेटा, वी लिव इन द वर्ल्ड दैट्स ड्रॉइंग द डेटा। कहने का मतलब हम जहां रहते हैं, जिस वर्ल्ड में रहते हैं, वो वर्ल्ड पूरा का पूरा ड्रेंच है डेटा में, डूबा हुआ है डेटा में। इतना डेटा है, सारा डेटा, तो भाई इतना डेटा जनरेट कैसे हो रहा है।
तो अलग अलग साइट से, अलग अलग सोर्स से डेटा जेनरेट हो रहा है वेबसाइट पे, वेबसाइट ट्रैक एवरी यूजर्स क्लिक, एवरी यूजर्स एवरी क्लिक, योर स्मार्टफोन इज बिल्डिंग अप अ रिकॉर्ड ऑफ योर लोकेशन, सेंसर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिकॉर्ड रियल टाइम इंफॉर्मेशन, ई कॉमर्स वेबसाइट कलेक्टिंग परचेजिंग हैबिट। इस तरह से सारा का सारा डेटा क्रिएट होता है, वह कहीं ना कहीं सेव होता है और पूरा का पूरा मार्केट है डेटा का, ठीक है, पूरा का पूरा डेटा का मार्केट है। सो उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। सो वी लिव इन अ वर्ल्ड दैट इज ड्रॉइंग विद डेटा, वेयर एवर यू गो, वेयर एवर वी आर, डेटा इज गेटिंग जनरेटेड फ्रॉम द वेरी सोर्सेस, ठीक है। ये हम जानते हैं, ऐसा कोई नया बात नहीं है कि हमको पता नहीं है, और हमको ये पता है कि हम जब भी कुछ सर्च करते हैं, हमको जो इंटेलिजेंस है या एआई है उसका, जो उस सॉफ्टवेयर का, वो प्रज्यूम कर लेता है कि हम किस तरह का आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं और मेरा लाइक क्या क्या है, हम आगे क्या क्या परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है। तो डेटा साइंस क्या है? तो डेटा साइंस इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है दैट ब्रिंग्स टुगेदर कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। मतलब एक से ज्यादा फील्ड मिला के डेटा साइंस पे काम होता है, सिर्फ एक फील्ड पे काम नहीं चलेगा, आपको मैथ भी आना चाहिए, मतलब स्टैटिस्टिक्स हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, लीनियर जो कैलकुलस हो गया थोड़ा सा वो आना चाहिए, उसके अलावा कंप्यूटर साइंस, थोड़ा बहुत कोडिंग आना चाहिए, ठीक है। डेटा साइंस के लिए बहुत एक्सपर्ट कोडिंग की आवश्यकता नहीं है, बट कोडिंग तो आना ही चाहिए, जो एकदम बेसिक है, बेसिक जो है पाइथन का, वो आप लोग को आना चाहिए, तभी आप, है ना। जैसे मतलब इम्पोर्ट फंक्शन है, इम्पोर्ट करना है, कोई लाइब्रेरी यूज करना है और तो कैसे यूज करेंगे, इफ जो डिसीजन मेकिंग वो कैसे चलाएंगे, अगर लूप चलाना हो तो कैसे चलाएंगे, ठीक है, क्लास का बात होगा तो क्लास कैसे यूज करेंगे, यही सब, ठीक है। तो डेटा साइंटिस्ट आर नॉट अ वेटरन प्रोग्रामर। एनालाइजिंग एंड जनरेटिंग इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा एड्स इन अराइविंग द अराइविंग एट बेटर बिजनेस डिसीजन। सारा डेटा आखिर करते क्या है? तो सारे डेटा से हमको कुछ व्यू मिलता है, कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है, जिसके आधार पे हम अच्छा डिसीजन बना सकते हैं, बेटर डिसीजन मेक कर सकते हैं, ठीक है। पॉपुलर टूल्स यूज इन डेटा साइंस। डेटा साइंस में क्या क्या, कौन कौन सा टूल मतलब हम यूज कर सकते हैं? तो डेटा प्री प्रोसेसिंग एनालिसिस के लिए जो लैंग्वेज यूज होगा दैट इज पाइथन, सबसे ज्यादा पाइथन यूज होता है, और उससे थोड़ा सा कम यूज होता है आर लैंग्वेज। छोटा मोटा डेटा है तो हम लोग एक्सेल पे भी उसको प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है ना। और सास और एसवीएसएस ये अलग टूल है जो बहुत महंगा होने के कारण बहुत कम इस्तेमाल होता है। डेटा एक्सप्लोरेशन एंड बहुत कम, ऐसा नहीं कि एक दो, मतलब अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। पाइथन और आर ये सब जब नहीं था तो सास का इस्तेमाल बहुत होता था, ठीक है। डेटा एक्सप्लोरेशन एंड विजुअलाइजेशन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए टेबल्यू, ठीक है, क्लिक व्यू एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सप्लोरेशन एंड विजुअलाइजेशन कहने का मतलब ये है कि डेटा को एक्सप्लोर करना और डेटा को एक ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना, ताकि एज ए ह्यूमन हम उसको अच्छे तरह से विजुलाइज कर पाए। हमको डेटा, ऐसा डेटा हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर ग्राफ के माध्यम से या इस तरह का विजुलाइज करके हमको दिखाया जाता है हमको डेटा, हम ज्यादा समझ पाते हैं और ज्यादा ग्राफ कर पाते हैं, ठीक है। पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन केस ऑफ बिग डेटा। अगर बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, तो उस बड़े डेटे को अगर हमको प्रोसेसिंग करना है, और खासकर पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग दोनों में, तो हमको हडूप सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और स्पार्क भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अपाचे हडूप और स्पार्क, ये दोनों फ्रेमवर्क है, और हमको पाइथन में इसका सपोर्ट मिलता है और पाइथन के साथ ये काम करता है, ठीक है। तो ये हमको पता चला कि डेटा साइंस क्या है, ओके। अब इसके बाद बात करते हैं थोड़ा पाइथन के बारे में, जो तुम ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। पाइथन वॉज डेवलप्ड बाई गुडो वैन रासम इन द लेट 80s एट द नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस
एट नीदरलैंड। ओके, पाइथन का सबसे पहले 1 वर्जन निकला, फिर 2 वर्जन 2 आया 2000 में, इसके बाद 3.0 आया 2008 में। यहाँ से फिर 1 वर्जन तो बंद हो गया था, जब 2 वर्जन आया था तो 1 को बंद कर दिया गया, उसी का लेटेस्ट वर्जन था। इसका लेटेस्ट वर्जन 3 आया लेकिन 2.0 बंद नहीं हुआ, उसको अलग इवॉल्व किया जाने लगा दूसरे आइडिया पे, और 3.0 को अलग इवॉल्व किया जाने लगा। तो दोनों वर्जन जो है एकदम अलग है एक्सेल का ही, सॉरी है पाइथन का ही, बट इट शुड बी कंसिडर एज अ टू डिफरेंट टूल, क्योंकि इस अगर 3.x का अगर कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है 2.7 में रन कराओगे तो बहुत चांसेस रन नहीं करेगा। ठीक है, 2.7 का कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है 3.7 में या 3.x में रन कराओगे तो बहुत चांसेस है वो रन नहीं करेगा, गारंटी नहीं ला जा सकता कि रन करेगा ही। पाइथन 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 वाई पाइथन पाइथन हैज सेवरल फीचर्स दैट मेक इट वेल सुटेड फॉर द डेटा साइंस। पहला, ओपन सोर्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। ओपन सोर्स है, ये फ्री है, ये सबसे बड़ा एक कारण है जिससे कि हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको बाई करना पड़ता तो बहुत पैसा लगता, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें बहुत इंटेंसिव डेटा साइंस रिलेटेड बहुत सारा लाइब्रेरी यूज हो रहा है। सबसे पहला बात तो ये था कि ओपन सोर्स था। दूसरा बात, ओपन सोर्स होने के साथ साथ ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज़्यादा लोग इस्तेमाल करने से यूजर का संख्या बहुत बड़ा है इसका, यूजर का संख्या बहुत बड़ा है, और सारे यूजर का एक कम्युनिटी है जो हेल्प करता है एक दूसरे को। अगर मान लो कि हम डेटा साइंस के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हम किसी जगह पे अटक गए, फंस गए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कहाँ हेल्प मिलेगा हमको? शुरुआत में तो कोशिश करता है कि गूगल से हमको हेल्प मिल जाए, ठीक है, लेकिन मान लो एकदम डिफिकल्ट एकदम स्पेशलाइज टाइप का प्रॉब्लम होगा तो कितना खोजोगे गूगल पे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हर प्रॉब्लम तो नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ऐसे जितने भी कम्युनिटी डेवलपमेंट हैं उस पे जाके अगर तुम अपना सवाल अच्छा से समझा के पोस्ट करोगे तो वहाँ पे जितने लोग हैं, बहुत बहुत एक्सपीरियंस लोग भी हैं वहाँ पे, 10-10, 20-25 साल का जिनका डेटा साइंस का डेटा एनालिस्ट का एक्सपीरियंस है, वो लोग हैं वहाँ पे, और वो लोग अपना समय अपना टाइम डेडिकेट करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो स्टैक ओवर फ्लो जानते हो, गिटहब जानते हो, ऐसा बहुत सारा है जहाँ पे हम डेटा साइंस और पाइथन का बहुत सारा हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा चीज है कि हमको, ठीक है, तो ये तो बात हो गया कि हमको यूजर कम्युनिटी मिल जाता है और हमको फ्री भी मिल जाता है। पाइथन इज फ्री, ऑल द लाइब्रेरीज यूज इन डेटा साइंस फॉर पाइथन इज ऑल्सो फ्री, ठीक है। और हमको एक बहुत बड़ा ग्रुप मिल गया जहां पे हमको सॉल्यूशन मिल सकता है। एडवांटेज ऑफ यूजिंग पाइथन, क्या क्या पाइथन को इस्तेमाल करने का क्या क्या हमको एडवांटेज मिलता है? तो सबसे पहला तो ये है, किसी और लैंग्वेज के कंपैरिजन में इसका सिंटेक्स बहुत आसान है, लाइब्रेरीज डिजाइन फॉर स्पेसिफिक डेटा साइंस टास्क। लाइब्रेरी दिया गया है डिजाइन करके सिर्फ डेटा साइंस स्पेशली डेटा साइंस को सोच के लाइब्रेरी दिया गया है। ओके, कंबाइंस वेल वेरी मेजॉरिटी ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स। तो हमको मान लो कल के डेट में पूरा का पूरा डेटा साइंस हमको क्लाउड पे डालना है तो हम डाल सकते हैं, ये सुविधा भी है हमारे पास, ठीक है, उसको हम वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल, क्या हम जावा में डेटा साइंस का प्रोजेक्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पॉसिबल है सर, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा उसमें। प्रॉब्लम होगा, क्यों प्रॉब्लम होगा? इसलिए कि हमको सारा का सारा लाइब्रेरी हमको नहीं मिलेगा, और लाइब्रेरी लिखना कितना मुश्किल है। सोचो कि हम बहुत ह्यूज डेटा का बात कर रहे हैं, अच्छा, इतना ही नहीं, लाइब्रेरी का और भी फंक्शन है। जैसे पाइथन का बात करते हैं हम लोग, पाइथन में हम लिस्ट यूज करते हैं, ठीक है, पाइथन में लिस्ट यूज करते हो,
और अगर हमको बहुत बड़ा लिस्ट बनाना पड़ा है ना, बहुत बड़ा लिस्ट हमको चाहिए डेटा का और उस डेटा का प्रोसेसिंग करना है, तो पाइथन का लिस्ट के हिसाब से अगर प्रोसेसिंग करेंगे तो प्रोसेसिंग में तो बहुत दिन लग जाएगा, ठीक है। तो हमको नम पाई जो लाइब्रेरी है उससे हमको उसका जो PDRI मिलता है वो 50 टाइम्स, बोलते हैं क्या कि पाइथन का जो लिस्ट है जो उसका अपना एरे वाला स्टाइल है उससे 50 टाइम्स फास्टर है, 50 टाइम्स, 5 टाइम्स नहीं 50 टाइम्स। तो इस तरह का भी तो काम है, इस तरह का भी काम है कि हमको फंक्शनिंग तो अलग बात है लेकिन डेटा स्टोरेज उसका एक्सेसिंग ये भी फास्टर मिलेगा हमको अलग अलग तरह के जो लाइब्रेरी यूज करेंगे उससे, ठीक है। ये तो छोटा सा एग्जांपल था, ऐसा बहुत सारा है। ओके, तो हम .NET में, जावा में, किसी भी लैंग्वेज में हम ये काम कर सकते हैं, बट जहां तक लाइब्रेरी का बात है वो या तो पाइथन में मिलता है फुल पूरा जबरदस्त रूप से, और दूसरा आर में भी मिलता है बहुत सारा पाइथन, सॉरी बहुत सारा लाइब्रेरी, ठीक है। तो हम लोग के लिए पाइथन बेस्ट है, इसलिए कि हम लोग जिस प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आए हैं हम लोग बहुत पाइथन को देखते हैं तो बड़ा बहुत फैमिलियर फील करते हैं पाइथन को। आर का जो सिंटेक्स है, आर का जो प्रोग्रामिंग तरीका है वो थोड़ा सा हम लोग उससे अनफैमिलियर हैं। ओके, तो पाइथन क्या है कि बहुत आसान सा कोडिंग है उसका, ठीक है। लाइब्रेरी हमको डेटा साइंस के बेस्ट, ऐसे डेटा साइंस नहीं, डेटा साइंस AI ML सब पे अलग अलग लाइब्रेरी है, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट करना चाहो सब पे लाइब्रेरी कंबाइंस वेल विद द मेजॉरिटी ऑफ द क्लाउड प्लेटफॉर्म। ओके, यहाँ ये बात हो गया। इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन सा ID है। सबसे पहले ID क्या होता है सब जानते हो, लेकिन स्लाइड में है तो हम लोग दो चार साइन बात कर लें। तो ID मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड मतलब कि बहुत सारा अलग अलग डेवलपमेंट नीड है मेरा, सब इंटीग्रेट करके एक प्लेटफॉर्म पे दे दिया गया, ठीक है। तो कंपाइलेशन भी चाहिए, डिबगिंग भी चाहिए, सेविंग भी चाहिए, ठीक है हमको। और तो इस जितना भी चीज चाहिए, अलग अलग प्रोजेक्ट चाहिए, फाइल अलग चाहिए, बार बार दूसरा दूसरा फाइल खोले के, एडिटर चाहिए और एडिटर के साथ बाकी सब भी चाहिए, ठीक है। और ऑटो करेक्ट भी चाहिए, मतलब हम कुछ लिख रहे हैं प्रिंट लिखना है तो P लिखे और वहां पे हमको सजेशन प्रिंट का मिल जाए, टैब मारे प्रिंट हो जाए, लिखा जाए प्रिंट, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा, जहां गलती लिख दिए हैं वो हाईलाइट करके बता देगा प्रिंट का इन छूट गया है, ये सारा का सारा है ना गलती पकड़ेगा, ऑटो कंप्लीट कर देगा, ठीक है। कंपाइलेशन भी करेगा, डिबगिंग भी करेगा, ये सब का सम जो मेरा किसी प्रोग्राम को रन कराने का नीड है सब कंबाइंड करके, इंटीग्रेट करके एक एप्लीकेशन बना दिया गया तो उसको बोलते हैं ID। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कंसिस्टिंग ऑफ कोहेसिव यूनिट ऑफ टूल्स रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट डिजाइन टू सिंप्लीफाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूटिलिटीज प्रोवाइडेड बाय ID इंक्लूड टूल्स फॉर मैनेजिंग कंपाइलिंग डिप्लॉइंग डिबगिंग एवरीथिंग, ठीक है। ये तो हमको पता था, कोई नया चीज नहीं था। क्या क्या ID का क्या क्या फीचर है अभी हम लोग जो बात किए वही है, ठीक है। को सोर्स कोड एडिटर चाहिए, कंपाइलर चाहिए, डिबगर चाहिए, ठीक है। और उसको हमको डिप्लॉय करना है तो हमको उसका सेटअप चाहिए, डिप्लॉय करने के लिए हमको फैसिलिटी दे दे, ठीक है। सिंटेक्स और एरर हाइलाइटिंग चाहिए, कोड कंप्लीशन चाहिए, वर्शन कंट्रोल चाहिए। वर्शन कंट्रोल के बारे में हम लोग बात किए थे ना कि हमारे मेरे सिस्टम में 3.7 3.8 दोनों इंस्टॉल है, ठीक है। हम अब 3.8 से कंपाइल कराएं, अब हमको 3.7 से कंपाइल कराना है तो इस तो हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं उस डायरेक्टरी का, उस फोल्डर को हम सिलेक्ट कर लेंगे तो मेरा उस वो वर्सन का कंपाइलर यूज होना शुरू हो जाएगा, तो वर्सन कंट्रोलिंग भी है, ठीक है। अब देखो मुद्दे की बात, यहां तक तो बात हो गया, अब बात करते हैं कि कौन कौन सा IDE है जो डेटा साइंस के लिए इस्तेमाल होता है। डेटा साइंस के लिए विजुअल स्टूडियो नहीं लिखा हुआ इसमें, वो भी है, वो भी अच्छा है, वो भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्पाइडर, अभी स्पाइडर का हम तुमको दिखाएंगे लुक एंड फील, टॉल किए तुम्हारे लिए। पाईचार्म, जुपिटर नोटबुक, एटम, ठीक है।
अगर हमसे पूछोगे तो मेरा फेवरेट यही है, जुपिटर नोटबुक इज माय फेवरेट। ठीक है, ओके। तो स्पाइडर, पाइचम, जुपिटर नोटबुक, एटम, आगे का जितना भी स्लाइड है इस आईडीज के बारे में बात किया गया है कि कौन सा आईडीज में क्या फैसिलिटी है, उसका लुक एंड फील क्या है, उसका इंटरफेस कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ओके। देखो जो स्पाइडर है, स्पाइडर के बारे में दिखाया गया है कि स्पाइडर किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है, किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसका वर्सन आता है। तो सपोर्टेड एक्सॉस लाइनक्स, मैक ओएस एक्स एंड विंडोज प्लेटफॉर्म, अवेलेबल एज ओपन सोर्स वर्सन। ठीक है, स्पाइडर पैसा नहीं लगेगा, फ्री है, ओपन सोर्स है। बंडल्ड विद एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन विच कम्स विद ऑल पाइथन लाइब्रेरी। एनाकोंडा हम इसलिए बोले थे तुम लोगों को कि एनाकोंडा इंस्टॉल करना, एनाकोंडा फ्रेमवर्क इंस्टॉल करोगे तो सारा का सारा जो लाइब्रेरी है ये सब लाइब्रेरी एनाकोंडा के माध्यम से तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम भी क्या किए कि एनाकोंडा इंस्टॉल किए फ्रेमवर्क, तो हमको स्पाइडर भी इंस्टॉल हो गया और हमको हमको तो एनाकोंडा मिला ही और जुपिटर नोटबुक भी इंस्टॉल हो गया दोनों। ठीक है, ठीक। तो एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन अगर करते हो तो एनाकोंडा के रूप में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सारा लाइब्रेरी हमको मिल जाता है, पाइथन का सारा लाइब्रेरी हमको मिल जाएगा और डेवलप्ड फॉर पाइथन एंड स्पेशली डेटा साइंस। ये स्पाइडर जो है इसका डेवलपमेंट पाइथन में हुआ है ऐसा लिखा गया है कि दैट स्पाइडर आईडी इज डेवलप्ड इन पाइथन एंड स्पेशली फॉर द डेटा साइंस, स्पेशली फॉर डेटा साइंस। ठीक है, ये स्पाइडर का लुक एंड फील है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं फिर हम खोलते हैं। यहाँ पे तीन विंडो मिलेगा, ये वाला विंडो है जहां पे हम स्क्रिप्ट लिख के फाइल बना सकते हैं और ये मेरा ये स्क्रिप्ट लिखने वाला है, कंसोल वाला जैसा था वैसा है, और ये मेरा वेरिएबल के लिए एक्सप्लोरर दिया है, कौन कितना वेरिएबल हम बनाए हैं और उसका वैल्यू क्या है और उसका डेटा टाइप क्या है सब यहाँ पे दिखेगा हमको, यहाँ पे हमको वो सारा का सारा दिखेगा। ठीक है, तो तीन विंडो हो गया और देखो क्या क्या है स्पाइडर। फीचर्स इंक्लूड कोड एडिटर विथ रोबस्ट सिंटैक्स एंड एरर हाइलाइटिंग। ठीक है, कोड कंपोजिशन एंड नेविगेशन, डिबगर, इंटीग्रेटेड डॉक्यूमेंट्स। हमको हेल्प चाहिए, मान लो प्रिंट हम लिखे प्रिंट और प्रिंट लिखने के बाद हमको प्रिंट के बारे में सब कुछ जानना है, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो कंट्रोल और आई ऐसा की कुछ प्रेस करेंगे ना, तो वो वाला जो एरिया था ये वाला एरिया इसमें तुरंत तुम्हारा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगा। ठीक है, हम ऐसे ही खोले इसमें तो पूरा का पूरा स्पाइडर का डॉक्यूमेंटेशन खुल गया, उसको कॉपी करके पेस्ट करके वर्ड में रख लिए हैं, तुमको हम भेज देंगे पढ़ना। स्पाइडर के तरफ से स्पाइडर का कैसे काम होगा क्या होगा दैट इज गिवन बाय स्पाइडर इटसेल्फ। तो ये सब काम है मेरा कि डॉक्यूमेंटेशन भी हमको मिल जाता है। ठीक है, इंटरफेस सिमिलर टू मैटलैब एंड आर स्टूडियो। अगर मैटलैब और आर स्टूडियो में पहले से कोई काम किया रहेगा तो उसको ये इंटरफेस एकदम फैमिलियर लगेगा, नया नहीं लगेगा। ओके, तो ये हमारा था पाइचम। नेक्स्ट वाला है पाइचम। पाइचम इंस्टॉल किए थे, हम अनइंस्टॉल कर दिए, इतना जगह नहीं था पीसी में। और दूसरा बात की पाइचम का जो पेड वर्सन है वो इंस्टॉल हो गया था। तो पाइचम का दो वर्सन है, एक कम्युनिटी वर्सन है जो फ्री है और एक पेड वर्सन भी है। ठीक है, तो पाइचम भी बहुत अच्छा है, सपोर्टेड अक्रॉस लिनक्स, मैक ओएस एंड एक्स विंडोज प्लेटफॉर्म, अवेलेबल एज कम्युनिटी फ्री ऑफ वर्सन एंड प्रोफेशनल वर्सन ऑल्सो, सपोर्ट्स ओनली पाइथन। सपोर्ट्स ओनली पाइथन लिखते हैं का क्या मतलब, ऐसा बहुत सारा आईडीई है जो एक से ज्यादा लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो पाइचम सिर्फ और सिर्फ मेरा यूज होगा पाइथन की कोडिंग के लिए। स्पाइडर भी उसी के लिए था, स्पाइडर भी सिर्फ पाइथन की कोडिंग के लिए था। ठीक है, बंडल्ड विथ एनाकोंडा,
अगर पाइचाम का अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो एनाकोंडा के साथ हमको मिलेगा। ये सारा का सारा जो आईडीज बात करें वो डेटा साइंस के लिए, तो डेटा साइंस पे काम कैसे होगा जब एनाकोंडा नहीं मिलेगा हमको। तो दूसरी बात, अगर तुमको आईडी चाहिए और डेटा साइंस का सारा लाइब्रेरी नहीं चाहिए तो हम लोग अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हैं बगैर ऑल द लाइब्रेरीज ऑफ एनाकोंडा। ठीक है, तो बंडल विद एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन विच कम्स विद द ऑल पाइथन लाइब्रेरीज कैन ऑल्सो बी इंस्टॉल सेपरेटली। ठीक, पाइचाम हो गया, पाइचाम का ये थोड़ा सा इंटरफेस है। अगर पाइचाम इंस्टॉल करना होगा, पाइचाम पे बहुत काम होता है, ऐसा नहीं, पाइचाम बहुत काम होता है पाइचाम पे और जुपिटर नोटबुक पे, ये दो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है डेटा साइंस पे। ठीक है, ओके, तो पाइचाम का फीचर क्या था, वही फीचर जो वहां था ऑलमोस्ट, कोड एडिटर प्रोवाइड्स सिंटेक्स एंड एरर हाईलाइटिंग। ठीक है, कोड कंप्लीशन एंड नेविगेशन, यूनिट टेस्टिंग, डिबगर, वर्जन कंट्रोल। श्योर, ओके, हेलो, हाँ सुन रहे, बोलो सर। इसके पहले वाले कौन सा बताए थे? इसके पहले स्पाइडर बताए थे, स्पाइडर। सर उसको एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर, मेरा कनेक्शन अच्छा, प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, स्पाइडर के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताए थे, स्पाइडर अभी ओपन करेंगे तो दिखाएंगे तुमको। स्पाइडर के बारे में बताए थे कि स्पाइडर का इंटरफेस दिखाए थे। ठीक है, इसमें तीन विंडो आता है, ये हमारा प्रोग्राम लिखने के लिए और ये मेरा कंसोल है उसका, आई जो पाइथन पे जो उसका जो कंसोल होता है जो प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग। ठीक है, वो और ये हमारा, ये है वेरिएबल एक्सप्लोरर, ये नया चीज तुमको मिलेगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ प्रोग्राम लिखते हैं, इसका जब रन कराएंगे यहाँ रन बटन से, इसका आउटपुट हमको यहाँ दिखेगा। ठीक है, यहाँ दिखेगा प्रोग्राम का आउटपुट और इस प्रोग्राम में कितना वेरिएबल तुम डिक्लेयर किए हो वो सारा का सारा वेरिएबल डिटेल यहाँ दिखेगा। नेम ऑफ द वेरिएबल, टाइप ऑफ द वेरिएबल एंड व्हाट इज द वेरिएबल ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, क्या लिटरल है उस वेरिएबल का, वो भी। ठीक है, अगर मान लो लाइन बाय लाइन स्क्रिप्ट रन कराना है सेल्स के जैसा, तो ये सेल विंडो है, यहाँ पे तुम एक लाइन लिखो वो रन कर जाएगा, जैसे पाइथन सेल में रन कराते हैं हम लोग कंसोल वाले में, वो यहाँ पे होगा, प्रोग्राम यहाँ पे होगा, ये हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी खुलता है, जो हेल्प वाला डॉक्यूमेंट भी यहीं खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे जब खोलोगे तो यहाँ पे तुमको अलग अलग टैब दिखेगा, यहाँ पे अलग अलग टैब दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वेरिएबल टाइप पे क्लिक करेंगे तो वेरिएबल दिखेगा, और अगर कुछ और अगर हम हेल्प मांगेंगे तो हेल्प विंडो भी खुलेगा, इसी में खुलेगा। ओके, तो यही है मेरा स्पाइडर का लुक एंड फील, और बाकी जो फीचर है वो सब जानते हो कि हमको कोड राइट करना है, हम कोड लिख रहे हैं तो कंपाइल भी होना चाहिए, जहां गलत लिख रहे हैं वो हाईलाइट भी होना चाहिए। ठीक है, और जैसे ही हम कुछ फंक्शन कॉल कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं तो हमको ऑटो कंप्लीट और सजेशंस भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मान लो हम लिखते हैं कोई भी एग्जांपल के लिए प्रिंट मान लेते हैं, तो प्रिंट जैसे ही लिखेंगे तो हमको प्रिंट का पूरा उस फंक्शन का पूरा प्रोटोटाइप दिख जाए, है ना, कि प्रिंट फंक्शन है उसमें ये डेटा, ये डेटा, अच्छा अच्छा ऐसे पैरामीटर जा रहा है, ये मैंडेटरी है और ये ऑप्शनल है, तो हमको समझ में आ जाएगा। तो ये सारा फैसिलिटी हमको मिलता है और इसका जो इंटरफेस है वो मैटलैब और आर स्टूडियो जैसा है क्या। पाइचाम के बारे में क्या बोले कि पाइचाम जो है वो भी मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे वैलिड है, काम करता है, और ये भी एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आता है। अगर आपको तो चला है सर, इसको इस्तेमाल किए, इसको पाइचाम को तुम किए हो? यस सर। गुड, तो पाइचाम को अगर हमको डेटा साइंस से इस्तेमाल करना है तो हमको एनाकोंडा के फ्रेमवर्क के साथ इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है और मेमोरी क्योंकि इतना ज्यादा लाइब्रेरी है ना, कि लाइब्रेरी एक्चुअली जब तक इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मेरे मेमोरी में आएगा नहीं, फिर भी ये एप्लीकेशन इतना बड़ा है कि हम स्पाइडर ओपन करते हैं तो हमको स्पाइडर में बना हुआ है कितना मेमोरी, वो एवव 60% मेरा मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो अगर मान लो हमको डेटा साइंस नहीं करना, सिंपल जो पाइथन का प्रोग्राम करना है तो हमको एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
परीक्षा में दो वर्जन है, एक उसका फ्री वर्जन है कम्युनिटी वर्जन और दूसरा पेड वर्जन है। तो अगर डाउनलोड करना इंस्टॉल करना पाइथन तो उसका जो कम्युनिटी वर्जन है वही, ठीक है, ये उसका इंटरफेस है, ठीक है। सारा फीचर यहाँ भी है, कोड एडिटर प्रोवाइड सिंटेक्स एरर एंड हाईलाइटिंग, ठीक है, कोड कंप्लीशन एंड नेविगेशन यूनिट टेस्टिंग डिबगर वर्जन कंट्रोल। इसके बाद तब आता है मेरा माई फेवरेट जुपिटर नोटबुक, ठीक है। जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक जो है एक वेब एप्लीकेशन की तरह काम करता है, ठीक है। तो तुम्हारे सिस्टम में जो वेब एप्लीकेशन होगा जो बाय डिफॉल्ट सेट किए होंगे उस वेब एप्लीकेशन में जुपिटर नोटबुक खुल जाएगा, ठीक है। खुलने के बाद वो कुछ ऐसा दिखेगा, एक सेल रहेगा, इसमें तुम कुछ लिखोगे तो वो रन करेगा, ठीक, उसके नीचे लिखे जैसे विजुअल वीएस कोड में जाता था वैसा ही। तो ये यहाँ पे हमको बहुत आसान हो जाता है काम करना, हर कोड को हर बार जब लिखेंगे और रन कराएंगे तो वो रन कर जाएगा, वहीं दिख जाएगा हमको, ठीक है। और ये उतना हेवी वेट नहीं है जितना हेवी वेट पाइथन या स्पाइडर है, क्योंकि ब्राउजर में खुलना है इसको, ठीक है। तो इंटरफेस हमको ब्राउजर से मिल जाता है और सारा का सारा कमांड सेम टू सेम वैसा ही काम करता है जैसे हमारा पाइथन में या स्पाइडर में काम कर रहा था, ठीक है। तो जो पुराने पुराने डेटा साइंटिस्ट हैं उनको, उनसे अगर उनका वीडियो देखो, उनका लेक्चर देखो, तो वो सब लोग जुपिटर नोटबुक की तरफ ही इशारा करते हैं, ये मतलब उनका रिकमेंडेशन है कि स्पाइडर भी यूज कर सकते हैं और जुपिटर नोटबुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, चलो। लेकिन इस NPTEL के इस कोर्स में इन्होंने जुपिटर ही इस्तेमाल किया है, जुपिटर इस्तेमाल किया है, ठीक है, अच्छा है, चलो हम लोग जुपिटर भी एक बार देखेंगे, ठीक है। जुपिटर स्पाइडर उन्होंने इस्तेमाल किया है। जुपिटर नोटबुक के लिए तो फैमिलियर है, पता है कैसे काम करता है एवरीथिंग, तो स्पाइडर भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा जुपिटर नोटबुक है, देखो ये वाला जो एरिया देख रहे हो ना, ये प्रोग्राम लिखा गया है, प्रोग्राम लिखेंगे इसको रन कराएंगे तो इसके ठीक नीचे इसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक। तो बंडल्ड विद एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन और कैन बी इंस्टॉल सेपरेटली, सपोर्ट्स जूलिया पाइथन आर एंड स्काला। ये देखो ये जूलिया पाइथन आर और स्काला सबको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसमें सबको प्रोग्राम कर सकते हैं। और जूलिया का जे यू, पाइथन का PY और R का R, ये लेके तब जुपिटर का नाम बना है, ठीक है ना। अच्छा स्पाइडर का भी नाम है, स्पाइडर को बोलते हैं साइंस स्पाइडर, है ना, SP, है ना, साइंटिफिक पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऐसा कुछ है, उसका नाम भी है, उसका फुल फॉर्म भी है, ठीक है, एक मिनट, स्पाइडर हाँ, साइंटिफिक पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, साइंटिफिक पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ये है, ठीक है ना, ठीक है, चलो। तो बंडल विद एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन और कैन बी इंस्टॉल सेपरेटली, जूलिया पाइथन आर एंड स्काला, इस सबको मिला के इसका नाम जुपिटर पड़ा। कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट सेल्स दैट कंटेन कोड टेक्स्ट प्लॉट एटीसी, ठीक है। तो ठीक है, तो क्या लिखे हैं कि एक और फायदा है इसमें कि अगर आप अपने पूरे प्रोग्राम का हम जो बनाए हैं सारा का सारा, अगर हम किसी को भेजना चाहते हैं, किसी को दिखाना चाहते हैं, तो चूंकि ये ब्राउजर में है तो बहुत आराम से हम इसको किसी को भेज सकते हैं PDF फॉर्मेट में या HTML फॉर्मेट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है जो हमको अभी तक समझ में नहीं आया क्यों,
दैट इज लैक मोस्ट ऑफ द फीचर ऑफ ए गुड आईडीज, ठीक है। लेकिन एक बात और बताते तुमको, आईडीज में अगर कोई फीचर नहीं है, सपोज करो अंडरलाइन, एरर को अंडरलाइन करने वाला फीचर नहीं है, ठीक है, या ऑटो कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि जिस तरह से हम लोग क्रोम में एक्सटेंशन ऐड करते हैं ना, क्रोम का एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ऑन करते हो जाता है, ठीक उसी तरह से जो जो फीचर्स जिस टूल में नहीं है, उस टूल के लिए हमारे पास वैसे एक्सटेंशन आएंगे, ठीक है। तो हमको देखना है कि भाई अगर मान लो सपोज को एक्स वाई जेड कोई ऐसा फैसिलिटी था जो जुपिटर नोटबुक नहीं दे रहा था, तो हमको उस फैसिलिटी एक्स वाई जेड फैसिलिटी के लिए जुपिटर कंपेटेबल हमको एक्सटेंशन चाहिए, मिल जाएगा, तो ये फ्री है तो भी फ्री है, ठीक है, तो इंस्टॉल कर लोगे तो वो अगर किसी तरह का कोई लैक है तो वो हमको पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद है एटम, एटम के बारे में एकदम जानकारी नहीं हमको, कभी देखे नहीं इसका इंटरफेस, इसका इंटरफेस भी पाइचाम जैसा ही लगा, ठीक है, पाइचाम जैसा ही लगा, इस तरह पूरा का पूरा मेरा डायरेक्टरी सेट है और ये हमारे प्रोग्राम दिख रहे हैं, ठीक है। तो एटम जो है ओपन सोर्स टेक्स्ट एंड सोर्स कोड एडिटर, सपोर्टेड सारे प्लेटफॉर्म पे, सपोर्ट्स पाइथन पीएचपी जावा एटीसी, हम इस पे इन सब में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, पाइथन भी पीएचपी भी जावा भी एटीसी, मतलब और भी कुछ होगा। वेल सुटेड फॉर डेवलपर, इंगे इनेबल्स यूजर्स टू इंस्टॉल प्लगइन एंड पैकेजेस, ठीक है। तो सारा प्लगइन जो भी बात की हम लोग, एक्सटेंशन पैकेज कैन बी इंस्टॉल फॉर कोड कंप्लीटिंग डिवाइंग एटीसी, ठीक है, ये सब सारा का सारा एक्सटेंशन हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलो यहाँ तक तो हमको देख लिए हम लोग, एटम का इंटरफेस है, ठीक है, हाउ टू चूज द बेस्ट आईडी, कैसे चुनेंगे बेस्ट आईडी, वो तो कहना है क्या कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरा, अगर हम अलग अलग आईडीज के साथ काम करते हैं तो दैट विल हेल्प अस टू सेलेक्ट द बेस्ट आईडी फॉर मी, ठीक है। तो इन दिस को स्पाइडर विल बी यूज, ठीक। तो हम लोग एक बार हम नेक्स्ट वाला हम तुमको दिखाते हैं कि उसमें क्या डिस्कस किया गया है, फिर स्पाइडर खोलेंगे। ओके, ये स्पाइडर के बारे में है, यस, हाँ ठीक है। ये टोटल पूरा का पूरा स्पाइडर का ट्यूटोरियल है, जैसा हाउ डज अ स्पाइडर लुक, हाउ टू सेट द वर्किंग डायरेक्टरी, हाउ टू क्रिएट अ पाइथन फाइल एंड सेव इट, ठीक है। चलो तो हम एक बार हम खोलते हैं और हम तुमको दिखाते हैं। यहाँ पे आए और एनाकोंडा में आए स्पाइडर, will take some time. Thank you.
एक्चुअली जूम भी बहुत हैवी वेट है और खुला ठीक है, ये है मेरा पाइथन, ये स्पाइडर। तो ये है मेरा प्रोग्राम लिखने के लिए, ये है मेरा जो उसका सेल है पाइथन का स्क्रिप्ट के लिए, और ये मेरा ठीक है जहाँ पे कि हम किसी तरह का कुछ हेल्प लेना हो, जैसे हेल्प में यहाँ पे आओगे, एक मिनट बजाएं दो, हेल्प में अगर यहाँ आते हैं हम लोग, हेल्प में ट्यूटोरियल वीडियोस है, स्पाइडर डॉक्यूमेंटेशन है, ये सब मिलेगा ठीक है, इंट्रोडक्शन टूर, ये सब हमको मिलेगा और इस तरह से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अगर यहाँ पे तुम इसका ट्यूटोरियल वीडियो देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ठीक है। तो ये हमारा हो गया पाइथन। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखते हैं एक्स बराबर 15, वाई इक्वल टू 20 ठीक है, और इसके बाद सॉरी देखो देखो वाई इक्वल टू की जगह माइनस हो गया, तो यहाँ पे ये क्रॉस का साइन देख रहे हो ना ठीक है, अनडिफाइंड नेम वाई, ओके तो हम लोग इसको ठीक करते हैं, इक्वल टू लगाते हैं ठीक है, और यहां लिखते हैं प्रिंट प्रिंट एक्स, अच्छा एक काम ऐसा नहीं है, लिखते हैं एक्स वाई जेड, जेड बराबर एक्स प्लस वाई ठीक है, बड़ा एक्स बड़ा वाई लिखा गया है एकदम, एक्स प्लस वाई ठीक है, और लिखते हैं प्रिंट जेड ठीक है। देखो प्रिंट लिखते हैं तो हमको प्रिंट का पूरा मिलता है सब कुछ, देखो प्रिंट का पूरा प्रोटोटाइप हमको मिलता है, और प्रिंट वैल्यू सेपरेटर है, एंड है, स्लैश एन फाइल सिस डॉट स्टडी आउट ठीक है, ये सारा का सारा है, प्रिंट द वैल्यू टू ए स्ट्रीम और टू सिस डॉट स्टडी आउट एवरीथिंग ठीक है, ओके यहाँ तक तो हो गया, हम लिख लिए, हमको रन कराना है, रन कराते हैं, इसका रिजल्ट यहाँ पे आएगा इस ठीक है, तो यहाँ रन कराए, रन किया फाइल, अच्छा सॉरी रन कराने के पहले एक काम ये करना है ना कि हमको temp.py जो है ये कंपाइल नहीं होगा, तो हमको दूसरा एक फाइल टेम्पररी है ये ठीक है, तो अच्छा कंपाइल तो हो गया, रन भी कर गया, सेव नहीं होगा, तो हम एक दूसरा खोलते हैं और इसको कंपाइल कराएंगे ठीक है, तो इसको कंपाइल कराएंगे तो हमको ये रन कर जाएगा, तो 15 और 20 35 मिल गया ओके। ये है मेरा रन कराने के लिए, ये है फाइल ओपन, ये न्यू के लिए, ये ओपन के लिए, सेव के लिए, और मल्टीपल फाइल सेव करना सेव ऑल उसके लिए है
ठीक है, ये वाला जो है ये अगर हमको एक से ज्यादा फाइल, जैसे मान लो कि एक फाइल यहाँ खुला हुआ है, एक फाइल और खोल देते हैं, ठीक है, एक फाइल और खोल देते हैं यहाँ पे, सॉरी फोल्डर खुल गया, ठीक है, इसको मान लो हम एक बार सेव कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं, सेव करते हैं, कहाँ सेव करते हैं? स्पाइडर हिस्ट्री टर्मिनल, ये कोई फोल्डर बना के, ठीक है, एक और फाइल हमको ओपन करना है, दैट इज हम एक और फाइल खोल दिए, इसका कुछ नाम रख लेंगे, ठीक है, ऐसा। तो मान लो इस तरह से बहुत सारा फाइल हम खोले हुए प्रोग्राम पर, और इसमें हमको स्विच करना है, तो दो तरीका है, एक तो यहाँ से जाके टैब को क्लिक करेंगे तो वो अपना फाइल खुल जाएगा, ठीक है ना, और दूसरा ये वाला है, इसको बोलता है हैमबर्गर आइकन, तो इस तरह से इस आइकन से हमको सारा का सारा फाइल यहाँ दिखेगा और हमको जो चाहिए उसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये भी है मेरे पास, तो ये पता नहीं फास्ट सिंबल सर्च एट द फाइल, अगर फाइल में कुछ सर्च करना है उसके लिए, ये है रन, जानते हो, और ये है हमारा अलग अलग सेल को रन कराने के लिए, जैसे एक तो जैसे ये सेल हो गया, अब मान लो हम एक और सेल बनाना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे शिफ्ट हैश परसेंट परसेंट, ठीक है, अगर यहाँ पे मेरा दूसरा शुरू हो गया, यहाँ पे मेरा लिखते हैं हम ए बराबर 25 टाइप ऑफ ए आईडी ऑफ ए, ओके, अब हमको अब पूरा रन कराना है तो ये वाला, ठीक है, लेकिन अलग अलग सेल रन कराना है तो फिर ये वाला, ठीक है, ये क्या है मेरा करेंट सेल को रन करने के लिए, तो यहाँ पे रखते हैं और इसको रन कराते हैं, तो यहाँ पे रन करता है, अच्छा प्रिंट तो कराया नहीं है तो दिखेगा क्या आउटपुट, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग प्रिंट 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 टाइप ऑफ ए प्रिंट आईडीए, ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, वहां भी कर्सर छोड़ देंगे तब भी हो जाएगा, और ये सिर्फ इस सेल को रन कराते हैं, तो इस सेल को रन कराएंगे तो देखो क्लास आईएनटी और ये हमारा उसका आईडी दिया, मतलब एड्रेस दिया, तो ये ऐसे रन कर गया, ठीक है, ये हो गया, और इसमें बहुत सारा, जैसे मान लो हमको रन कराना है स्क्रिप्ट रन कराना है एक एक लाइन का, तो यहाँ रन कराते ये लिखते जाओ इंटरफेस करोगे रन करता जाएगा, ठीक है, तो एक और लिखते हैं ए बराबर 3.14 और यहाँ पे लिखते हैं आईडी ऑफ ए, ठीक है, तो हम लोग एकदम बिल्कुल इसको सेल की तरह पाइथन सेल की तरह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, पाइथन सेल, ठीक, और ये हमारा विंडो हो गया, तो इसमें बहुत सारा है जो हमारे अभी काम का, एक्चुअली हम लोग डेटा साइंस का बात करेंगे, तो हमको क्या क्या है इसमें, देखो ये तो फाइल है, इसमें कहीं कुछ नया नहीं दिखेगा तुमको, एडिट है, पेज टॉल, सर्च है, सोर्स है, ठीक है, सो इंडेंट गाइड, सो पास्ट एंडिंग, सो ब्लैंक स्पेस, ओके, रन है, रन कराना है, रन सेल रन कराना है, अच्छा रन सेल एंड एडवांस, मतलब सेल को रन कीजिए एडवांस हो जाइए, मतलब आगे बढ़ जाएगा उसमें, ठीक है,
रीरन लास्ट सेल, इस तरह के सारे एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है, ये डिबगर के लिए है, ये कंसोल के लिए है, तो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसके लिए है। टूल्स, टूल्स में हमको बहुत सारा टूल्स मिलेगा, उसमें एक टूल हमारा अपीयरेंस के लिए, वो कैसा लुक एंड फील हमको चाहिए उसके लिए भी है, प्रेफरेंस। हाँ इसी में ठीक है, तो प्रेफरेंस में हमको, हम क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग एक इसका जो इन्वायरमेंट है कैसा दिख रहा है हमको, उसको चेंज कर सकते हैं अपीयरेंस। ठीक है, ये हमारा लुक लुक एंड फील है। देखो स्पाइडर, ये हमारा उसका थीम है, मतलब हम थीम चेंज करते हैं स्पाइडर से, क्या है ओब्लिवियन, ओब्लिवियन सेलेक्ट करते हैं तो ऐसा थीम आएगा मेरा। ठीक है, वैसा थीम आ जाएगा। तो नोट पैड, नोट पैड लिए तो नोट पैड जैसा थीम आया। ओके, तो इस तरह का बहुत सारा थीम हमको, इतना सारा थीम दिया गया है, इतना सारा थीम हमको मिला हुआ है। ओके, मेरा थीम कहाँ गया जी, स्पाइडर। हाँ ठीक है, हम लोग यहाँ सेट नहीं किए थे, सेलेक्ट करने से फर्क नहीं है, जब तक यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे कुछ। ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स हम सेट कर सकते हैं, जैसे एरर आए या हम कंपाइलेशन कर रहे हैं तो हमको स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ऐसा कुछ भी हुआ तो उसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट रखना चाहते हैं, उसके लिए हम शॉर्टकट कौन सा रखना चाहते हैं, और हम उसको अपीयर भी उसको कैसे किस कलर में देखना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो ये सारा का सारा मेरा लुक एंड फील के लिए है। ओके, तो ये था पाइथन, और इसमें कुछ पूछना हो तो पूछो। वेरिएबल एक्सप्लोरर, ठीक है, ये हमारा वेरिएबल एक्सप्लोरर। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग जुपिटर, जुपिटर नोटबुक को खोलेंगे, उसको सीखने की कोशिश करेंगे, उसमें देखेंगे क्या 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 कैसे कैसे होता है। ठीक है, और नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक, चलो ओके, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय बाय।